हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम इन माय क्लास। सो माय टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। सो व्हाइट ब्लड सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो आज के इस लेक्चर में मैं व्हाइट ब्लड सेल्स को थोड़ा डिटेल में बताऊंगी आपको। और व्हाइट ब्लड सेल्स का अगर हम लोग एक और नेम की अगर बात करें तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स, इनका एक और नेम है और उसका नाम है ल्यूकोसाइट्स। इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? ल्यूको साइट्स। दूसरी बात, अगर व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो हम लोगों ने इनको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया हुआ है। पहला है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा है स्टूडेंट्स ए ग्रेन्युलोसाइट्स। पिक्चर मैंने आपके सामने पेस्ट किया हुआ है यहाँ पर, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स नाम से ही पता चल रहा है, दे हैव ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। और ए ग्रेन्यूलोसाइट्स क्या होगा? इसमें विदाउट ग्रेन्यूल्स होंगे, ठीक है। और अगर अगली बात मैं करूं तो यहां पे ये हमेशा कहां पे ओरिजिनेट होंगे? बोन मैरो में। दे ओरिजिनेट इन बोन मैरो। और ये हमेशा ओरिजिनेट होंगे बोन मैरो में एज वेल एज लिम्फ नोड्स। और अगर हम लोग बात करें कि ग्रेन्युलोसाइट्स में हम लोगों ने स्टूडेंट्स तीन टाइप्स के व्हाइट ब्लड सेल्स को रखा है, जिसको कि हम शॉर्ट में बेन बोलेंगे, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल। ये तीनों के तीनों किस में आएंगे स्टूडेंट्स? ग्रेन्युलोसाइट्स 1, 2 एंड 3। और अगर ए ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें तो इसमें आपके दो कैटेगरी आएगी, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। बात करते हैं इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स की। पहले अगर आप बेसोफिल की, इसिनोफिल की बात करें तो आपको यहाँ पे दिख रहा है बाइलोब्ड न्यूक्लियस है। इसका न्यूक्लियस कैसा है? बाइलोब्ड न्यूक्लियस, आप देख सकते हैं फिगर में दो लोब्स हैं। और अगर हम लोग बेसोफिल्स की बात करें तो टू थ्री लोब शेप्ड न्यूक्लियस है। टू थ्री लोब लगेंगे यहाँ पे, टू थ्री लोब, 2.3 लोब्ड न्यूक्लियस। और अगर हम लोग न्यूट्रोफिल की बात करेंगे तो ये कैसा होगा स्टूडेंट्स? मल्टी लोब, आप देख सकते हैं फिगर में मल्टी लोब। और अगर हम लोग यहाँ पे एक ग्रेन्युलोसाइट्स पे चले अगर, तो यहाँ पे जो हमारा मोनोसाइट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बीम शेप्ड लार्ज न्यूक्लियस है, बीम शेप्ड लार्ज न्यूक्लियस। आपको सिर्फ यहाँ पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, उनके न्यूक्लियस पे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनका शेप याद रखिए कैसे बीन शेप्ड न्यूक्लियस है, लार्ज न्यूक्लियस है। और लिम्फोसाइट्स की अगर बात करें तो लिम्फोसाइट्स में लार्ज ओवल न्यूक्लियस, लार्ज ओवल न्यूक्लियस। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो WBC होते हैं, इनका लाइफ स्पैन थोड़ा कम होता है, लगभग कुछ आर से लेकर कुछ दिन तक होता है, फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, आप ऐसा कह सकते हैं, फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज। ठीक है। और एक टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है WBC की अगर हम लोग बात करें तो, उसको जानना, जिसका नाम है फैगोसाइटोसिस। तो स्टूडेंट्स, फैगोसाइटोसिस का मैं सोच रही हूँ एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, और उस सेपरेट लेक्चर में मैं आपको फैगोसाइटोसिस के बारे में बताऊंगी। और फैगोसाइटोसिस का ही एक स्टेप होता है डाइपिडेसिस, तो फैगोसाइटोसिस एंड डाइपिडेसिस ये सेपरेट टॉपिक्स में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स स्टूडेंट्स। और जल्दी ही मिलेंगे अपने नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।